देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले के जिला चिकित्सालय में 100 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट के कल से काम करना शुरू कर दिया है। अब 10 बेड के मरीजों को लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सकेगी। इस प्लांट के शुरू होने से ऑक्सीजन के जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पीएम केयर्स फंड से सिद्धार्थनगर जिले में भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन के कई प्लांट स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृत हुए ऑक्सीजन प्लांट मौजूदा समय में बनकर तैयार हैं, जिसमें जिला अस्पताल में 570, 260, 100 और 45 एलपीएम के प्लांट शामिल हैं। यानी मौजूदा समय में अगर सभी प्लांट ऑन कर दिए जाए तो जिला अस्पताल में करीब 1000 मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने को लेकर सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि फिलहाल जिला अस्पताल में 100 एलएमपी का एक प्लांट आवश्यकता अनुसार शुरू किया गया है। बाकी प्लांट भी तैयार हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी प्लांट को चालू कर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी प्लांट से करीब 1000 बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। सीएमओ ने बताया कि जिले के अन्य पीएससी सीएससी पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। हमारे जिले में ऑक्सीजन प्लांट क्या स्थिति है, अभी वर्किंग में है, हमारे यहाँ की क्या कैपेसिटी? हमारे जिले में 7 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील है, क्रियाशील यानी चलने वाले। कल एक हमने इसलिए किया कि जैसे कि अभी हमें इससे ज़्यादा जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास 750 बेड के ऑक्सीजन देने की पूरी कैपेसिटी, सब पूरा तैयार है, क्रियाशील है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 6 इसमें हमारे जिला अस्पताल में, 1 हमारे बर्डपुर के पीएससी पर है, 7 के साथ वो क्रियाशील। और आने वाले समय 3 और ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं, जो हमारे इटवा पीएससी के लिए, बेवा पीएससी और सोहरतगढ़ के लिए। अभी जो कल शुरू हुआ है वो कितने बेड से हमारे कवर हो जाएंगे? अभी उसे तो 100 एलपीएम का चालू हुआ है और अभी तत्काल हमें 11-12 बेड राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अगर यूज़ करें तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जरूरत होगी हम एक एक बटन ऑन करते हुए जाएंगे। हमें लगभग 750 बेड के ऑक्सीजन देने की तत्काल मेरे पास पूरी कैपेसिटी है। भविष्य में हमारे यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जी पूर्ण पर्याप्त मात्रा में।